ये चक्र, ओ प्रावा, ओ ओ ओ ओ, ओ। ये चक्र, ओ प्रावा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई गिर गया था। ओ भाई साहब, ओ गाइस अभी भाई अपने राइड कर रहा है अपनी लूफी को और मैं राइड कर रहा हूँ भाई की आरएस को। और सबसे मेन चीज़ जो अभी भी मैंने देखी कि भाई ये चक्रो इसका साइलेंसर उतार रखा है भाई ने, चक्र आते भाई आपको इसकी आवाज़ चक्कर गाइस खतरनाक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एक नया दिन एक नए वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब बढ़िया होंगे और तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से अपने घर के सामने से। और गाइस बहुत से दिन हो गए थे कि नेट यहाँ पे बंद था तो ब्लॉग मैंने डाले, बीच बीच में डालता रहा हूँ लेकिन यार वाईफाई यहाँ पे था नहीं कहीं, वाईफाई भी भाई बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे तो बड़ी मुश्किल से दो तीन ब्लॉग ही अपलोड हो पाए। बाकी अपनी लूफी भाई कुछ इस तरह की लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी रखी है एक तो। और गाइस चलते हैं यहाँ से आगे बेले के पुल वाली साइड, हम आपके लिए कुछ नया सरप्राइज है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चल के। तो मिलते हैं आपके अपने सीधे सेटअप पे ही, तो निकलते हैं यहाँ से आगे। हैं विली नहीं मारते अभी कहीं लेट हो रहा हूँ, विली नहीं भाई छोटा विली के लिए बोल रहा है। सो गाइस मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगा लिया बहुत दिनों बाद, यार कुछ अजीब सा ही लग रहा है। चलो खींचते यहाँ से थोड़ी सा, पहले तू आगे बोले। तो फाइनली गाइज मैंने अपना मोटो ब्लॉग सेटअप जो है लगा लिया। और गाइज बहुत ज़्यादा दिनों बाद मतलब सेटअप लगाया तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और अपनी लूफी भी भाई कुछ अलग सी हो रखी है इस वक्त। चलते हैं यहाँ से आगे, एक आरएस है भाई अपने साथ आज, तो हरुण को मैंने बुलाया था अभी फ़ोन किया था वो भी आ ही रहा है, तो भाई मिलते हैं पुल पे ही, वो भी वहीं पर आ रहा है। चलते हैं यहाँ से फुल पावर बाइक खींचते हुए, आज कुछ अलग सा लग रहा है यार मोटो ब्लॉग सेटअप में, बहुत दिनों बाद लगाया ना तभी। एक हफ्ता हो गया लगभग मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बीच में एक दो बनाए थे लेकिन यार नेट बंद था उसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया मैं, तो बीच बीच में अपलोड किए थे लेकिन यार अब क्या ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नेटवर्क की पूरी डिस्ट्रिक्ट में, दो डिस्ट्रिक्ट में बंद हो रखा था शायद पूंछ और राजौरी में, तो आज के बाद अपने डेली ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं यहाँ से अभी, तो फुल पावर निकलते हैं। और कुछ बंदे बहुत से कमेंट कर रहे थे कि बाइक वगैरह कब ले रहे हो, तो भाई आज कुछ स्पेशल होने वाला है, दिखाते तुम लोगों को, देखते हैं क्या कुछ सीन रहने वाला है, कौन सी बाइक हम ले रहे हैं ये भी तुम लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा। अभी पहले आरएस है एक भाई, आरएस को देखते हैं कैसी, अगर अच्छी लगी तो भाई इसके बारे में भी सोचेंगे, नहीं तो एनएस हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, तो देखते भाई क्या कुछ सीन रहने वाला है फिलहाल। सो गाइस फाइनली हारून आ गया, क्या हाल है, ठीक हो, उतर। सो गाइस अभी अपने पास है RS 200 भाई, जम्मू पल्सर की RS 200 भाई, एकदम किलर बाइक है ये अपने सेगमेंट की और बजाज वालों की सबसे पावरफुल बाइक है। यही आती है 400 cc में आती है, डोमिनार इसके ऊपर है जो, उसके बाद भाई सबसे तगड़ी बाइक यही लगती है मेरे को। और गाइस देखते हैं, मेरे भी बाइक लेनी है शायद से, मैं यही परचेज कर लूँ। आप सेल कर रहे हो, इसने खुद अभी लिए या सेल नहीं कर रहा है, शायद से मैं नहीं ले लूँ या सेकेंड ले लूँ, अभी कोई पता नहीं क्या सीन रहने वाला है। उसमें फ़ीचर वगैरह का क्या क्या है, फीचर बहुत सारे हैं, मोड से ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन गियर शिफ्टर है इसमें, गियर शिफ्टर है पल्सर आ रहा है, इसमें गियर शिफ्टर भी आता है भाई, ये चीज़ मेरे को आज पता चली। उसके बाद इसमें गियर शिफ्टर भी है, उसके बाद ड्यूल चैनल ABS, इसमें ड्यूल चैनल नहीं है शायद, हाँ ड्यूल है, ड्यूल चैनल ABS है भाई, ये चेक करते हो बिल्कुल भी आपकी बाइक स्किट नहीं होगी। एक ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, उसके बाद इसमें टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे, USD फॉग नहीं आ रही, BS6 है तो BS6 है, मोड भी अच्छे खासे मिल जाएंगे और पावर भी भाई एकदम मस्त और मस्त मिलेगी। और एक और चीज़ इस भाई ने कराई हुई भाई, टेट आईडी वगैरह उतारी हुई है, पल्सर में बहुत कम लोग करते हैं, ये चीज़ चेक करो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। ये लाइट वगैरह लगाई हुई, ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट चेक करो भाई, एकदम स्ट्रिप वाली लगा रखी है भाई ने, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। और मडगार्ड हगर वगैरह सब कुछ उतार रखा है भाई, बिल्कुल पीछे से नेकेड है, तो भाई बहुत ज़्यादा सही लग रही है। तो टॉप स्पीड इसकी कितनी है, लगभग टॉप स्पीड अभी तक कितनी लेके गया, 145 भाई इसकी टॉप स्पीड यहाँ पर लेके गया, जाती तो बहुत है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि NS लूँ या ये लूँ, अभी कोई पता नहीं है मेरे को, या फिर मैं R15 की तरफ सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। अभी शायद मैं जम्मू जाऊँगा बाइक वगैरह देखने के लिए, क्या कुछ सीन अभी कुछ पता नहीं है। तो गाइस करते हैं राइड इसके साथ आज, तो भाई देखते, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, देखते भाई हम इसके साथ कहाँ रह पाएंगे, लेकिन भाई देखते अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से आगे, चल चल। तो भाई मैं तो चलने वाला आराम से, और ये बंदा बहुत ज़्यादा रैश चलता है भाई,
ये चेक करो, ओ परावा रिएक्शन चेक कर रहे हो लड़कियों का। ओ भाई भाई भाई, ओह 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 भाई गिर गया था। देख के भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चलता है भाई, बहुत ज़्यादा रश, हद से ज़्यादा। चल 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 चल, ये चक्कर, ओ परावा। ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, हो भाई बंदा मार गया था इसको। ओ भाई साहब, ओ चक्कर रहे हो भाई, क्या तगड़े तरीके से चला यार। आर एस में पावर ही वैसे ही है ना भाई, जितनी भगाओगे भाई अल्टीमेट खतरनाक तरीके से भागेगी भाई साहब, खतरनाक। तो गाइस अभी भाई अपना राइड कर रहा है अपनी लूफी को और मैं राइड कर रहा हूँ भाई की आर एस को, और सबसे मेन चीज़ जो अभी भी मैंने देखी कि भाई ये चेक करो, इसका साइलेंसर उतार रखा है भाई ने, तो चेक कराते हैं भाई आपको इसकी आवाज़ चेक करो गाइस, खतरनाक आवाज़ है भाई साहब। चलते यार, मोटर ब्लॉग की सेटअप तो मैंने लगाया हुआ है, आज करते भाई इसको टेस्ट करते, पहली बार चला रहा है तुम्हारा भाई आर एस। भाई टायर तो इसका एकदम ख़त्म है, लेकिन भाई फील है बाइक की, ओ प्रवाह बहुत ज़्यादा बल्की है, खतरनाक भाई साहब, एक नंबर बाइक है यार, मज़ा आता है, फील है इस बाइक में, बल्की है भाई बहुत ज़्यादा, और पावर भाई पहले गियर में ही फील हो रही है बहुत ज़्यादा भाई, बल्कि है थोड़ी अग्रेसिव है एन एस के मुकाबले में, लेकिन आर्मर फाइव जितनी अग्रेसिव है नहीं है ये, लेकिन भाई स्पोर्ट सेगमेंट में तो ठीक है, अपने अपने कंट्रोल की बात है यार सारी, बल्क तो इसमें बहुत ज़्यादा है भाई, शायद से मैं ये बाइक ले लूँ, मेरे को पता नहीं है सही से ले भी लूँ या ना लूँ या फिर एन एस लूँ, अभी कोई पता नहीं है भाई क्या कुछ सीन है, अभी मैं सारी बाइक टेस्ट कर रहा हूँ। आर्मर फाइव भी मैंने, आपने लास्ट बार देखा होगा मैंने चलाई थी, तो थोड़ा बहुत हो गया भाई, जब तक बंदा सारी बाइक वगैरह चलाना ना ले तब तक उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता नहीं है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, जब दो तीन बाइक बंदा चला लेता है उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये वाली बाइक लेनी चाहिए। तो भाई अभी देखते हैं फाइनल करेंगे, एक एन एस तो मैंने 125 चला रखी है, 200 नहीं चलाई है, बट बाकी भाई सब में से ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी यार भाई साहब। एक तो भाई इसका स्पीडोमीटर है ना भाई, क्या सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सही। देखते हैं शायद से भाई मैं पल्सर वाली साइड जा रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता पल्सर की फील्ड में जा रहा हूँ भाई, इसमें पावर मुझे आर फाइव के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है यार। और यार एक तो ट्रैफिक मिलता है ना जब कोई अननोन गाड़ी चला रहा होता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, हद से ज़्यादा यार। अपनी अगर लूफी होगी ना बंदा मतलब हाथ बैठ जाता है जब बाइक पे, तो तगड़े तरीके से खींचता है, बट जब किसी और की गाड़ी चला रहा होता है तो क्या ही खींचेगा बंदा। भाई साहब यार ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, मतलब आर फाइव के मुकाबले, एक तो वो अग्रेसिव है यार, लॉन्ग टूर पे नहीं जा सकता उससे बंदा, लेकिन इसकी भाई सीट थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है उससे मेरे को, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है भाई। आगे चल के एक दो चीज़ मैं तुम लोगों को और दिखाता हूँ इस बाइक की। सो गाइस मेरे हिसाब से यार ये वाली बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी यार, इसके मुकाबले आर ओ फाइव के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, कसम से आर ओ फाइव कुछ भी नहीं है।
और यार ये अग्रेसिव नहीं है इतनी, मतलब इसको मतलब इजीली बंदा तगड़े तरीके से भगा सकता है और ज़्यादा लॉन्ग राइड इस पर आराम से मार सकता है। कटिंग भी बहुत ज़्यादा मस्त है। तो भाई मुझे पावर में भाई जब मैं पहले गेयर में जब मैंने चलाई ना पावर पे तभी पता चल गया कि नहीं तगड़ी पावर है भाई R15 तो बहुत ज़्यादा सही है। सो गाइस मुझे कमेंट करके बताना यार मैं इसको भी बेच रहा हूँ, बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए, या इसको भी रखूँ नहीं भी ले लूँ। तो गाइस कमेंट करके बता देना और इसके जो मोड्स मेरे को नहीं पता है वो भी तुम लोग बता देना। तो गाइस मिल आज के ब्लॉग को एंड करते, होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जितने भी लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।